Hello everyone, how are you all? Well, this is Jolly welcoming you back to our channel Reality 360 Degree. And guys, today I am here at Siddharth Vihar Ghaziabad, जिसे कि इंदिरापुरम का एक्सटेंशन भी कहा जाता है. Well, इंदिरापुरम अब पूरा डेवलप हो चुका है. वहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स के लिए जगह बची नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने सिद्धार्थ विहार को डिजाइन किया है, इसको आगे लाया है. एंड सिद्धार्थ विहार के बारे में जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देती हूँ, ये आपका NH24 पर सिचुएटेड है. NH24 बिल्कुल यह लगा हुआ है, 14 लेन NH24 की लोकेशन रहेगी. एंड इंदिरापुरम से ये हार्डली 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगा. साथ ही साथ इस एरिया की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. प्रताप विहार के बारे में जो लोग जानते हैं तो उसके बाद उनको बता दूं कि प्रताप विहार के ऑपोजिट की लोकेशन रहेगी. नोएडा एक्सटेंशन यहाँ से मुश्किल से 6 से 7 मिनट के डिस्टेंस पर रहेगा. दिल्ली यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर रहेगा. नोएडा का सेक्टर 62, जहाँ पर काफी सारी इंडस्ट्रीज एंड ऑफिस स्पेसेस हैं, वो यहाँ से मुश्किल से 5 से 6 मिनट के डिस्टेंस पर रहेगा. प्लस सिद्धार्थ विहार से आपको 2 मेट्रो लाइन की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि रेड लाइन एंड ब्लू लाइन है. यहाँ पर आपको शहीद स्थल एंड नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है. प्लस ये एरिया भी आप देखिए, वेल डेवलप्ड एरिया है. इनफैक्ट न्यू एरिया है, न्यू सेक्टर है, जिसमें अभी भी काफी डेवलपमेंट का स्कोप है. काफी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पर आज के टाइम पे मौजूद है. काफी सारे और भी आएंगे. यहाँ पर अगर आज की बात करती हूँ तो यहाँ पर गौर है, प्रतीक है, एपेक्स है एंड TNT ग्रुप है. एंड इन सभी बिल्डर्स में से एक बिल्डर जो है TNT ग्रुप, जिनके प्रोजेक्ट पे मैं आज आप सभी को लेकर आई हूँ, ये इकलौते बिल्डर हैं सिद्धार्थ विहार में, जो कि आपको लग्जरी सेगमेंट के प्रॉपर्टीज दे रहे हैं. एंड आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ इनकी प्रॉपर्टी, इनका प्रोजेक्ट TNT यूटोपिया पर. एंड अभी आप देख सकते हैं मैं काफी ज्यादा ग्रीनरी में खड़ी हुई हूँ. तो एक चीज की मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको काफी इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल रहा है एंड ग्रीनरी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलने वाली है. लग्जरी सेगमेंट का आपका प्रोजेक्ट रहेगा, तो अमेनिटीज भी बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलने वाली है, जो कि हम वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे. सो TNT के बारे में जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको और बैकग्राउंड दे देती हूँ, तो इनके लगभग 6 प्रोजेक्ट है डिलीवर्ड एंड ऑनगोइंग दोनों को मिलाकर. डिलीवर्ड की हम बात करें तो सिद्धार्थ विहार की लोकेशन में इनका टी होम्स डिलीवर कर चुके हैं ये. साथ ही साथ ये इंदिरापुरम में इनका प्रोजेक्ट एजिस ट्वाइन टावर्स सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं. एंड 4 इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से कि एक है TNT यूटोपिया. यहाँ पर आपको 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं. लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है गाइज अगेन. एंड थोड़ा सा मैं इंट्रो दे चुकी हूँ आपको, लोकेशन से आप अवेयर हो चुके हैं. अब चलिए मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलती हूँ एंड इसके रिगार्डिंग हम और डिटेल्स डिस्कस करेंगे. लेट्स गो इनसाइड. दिस इज द मॉडल ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट ऑफ सिद्धार्थ विहार TNT यूटोपिया. गाइस, इस पूरा प्रोजेक्ट आपका 8 acres के लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है एंड यहाँ पर आपके 11 टावर्स मिलेंगे इन टोटल. कुछ टावर्स की हाइट G+ 26 फ्लोर्स रहेगी एंड कुछ टावर्स की हाइट G+ 24 फ्लोर्स की रहेगी. पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट पे रहेगी. 3 लेवल आपको यहाँ पर बेसमेंट पार्किंग मिल जाती है. प्लस प्रोजेक्ट में आपकी 2 एंट्री एंड एग्जिट गेट्स रहेंगे एंड 1 एंट्री आपकी रहेगी इस तरफ. साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में आपको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी मिल जाता है. सो देयर आर अराउंड 24 कमर्शियल शॉप्स, जो कि यहाँ की रेसिडेंट्स की डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे. आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के सामने आपको 3 रोड्स मिल जाते हैं अराउंड आपके 50 फीट वाइड. आपके यहाँ पर रोड रहेंगे, ग्रैंड आपको एंट्रेंस मिल जाती है. प्लस पूरे प्रोजेक्ट में व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं है, सीधी आपकी बेसमेंट में पार्किंग रहेगी. उसके साथ साथ जिसके मैंने आपको बताया 11 टावर्स रहेंगे, इनमें एक और चीज अच्छी आपको मिल रही है, वो ये है कि सभी 11 टावर्स में आपके एक्सक्लूसिव जिम्नेजियम रहेंगे, जो कि उस टावर्स के रेसिडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड रहेंगे. दैट मींस 11 टावर्स, तो यहाँ पर आपको 11 जिम्नेजियम्स मिल जाते हैं. उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स की इन्वेंट्रीज मिल जाती है. साइजेस आपके स्क्रीन पर मेंशन है. उसके अलावा यहाँ पर अगर अमेनिटीज की बात करते हैं, ओपन एरियाज की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट में आपको 70% से भी ज्यादा ओपन कम ग्रीन एरिया मिल जाता है.
Clubhouse is also here. Clubhouse आपका around यहाँ पे 20,000 square feet के area में develop हो रहा है, जिसमें कि आपको world class level की amenities मिल जाती हैं. जी हाँ, यहाँ पर आपको दो pool मिल जाते हैं जो कि 3-level pools रहेगी. एक kids का रहेगा and एक adult का रहेगा. टेम्परेचर कंट्रोल्ड आपके स्विमिंग पूल्स रहेंगे. उसके अलावा क्लब हाउस के अंदर आपको सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं, बी एट इंडोर गेम्स, कैफेटेरिया, बैंकेट हॉल, जिम, योगा रूम, स्टीम, स्पा, सोना जैसी फैसिलिटीज भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं. प्रोजेक्ट में आपको कई सारे और एक्सक्लूसिव एमिनिटीज मिलने वाली हैं, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. अगर इस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की भी हम बात कर लेते हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट आपका माइवान फ्रेमवर्क पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. इस प्रोजेक्ट में 73% ओपन कम ग्रीन एरिया रहेगा, जिसमें कि आपको मल्टीपल पार्क्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जेन गार्डन्स रहेंगे, अरोमा गार्डन्स रहेंगे, सीनियर सिटीजन एरियाज रहेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स रहेंगे. प्लस सबसे बड़ी USP इस प्रोजेक्ट की ये है कि यहाँ पर आपके अराउंड 2000 मेडिसिनल प्लांट्स भी प्लांट किए जा रहे हैं, ताकि आपकी मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस भी यहाँ पर अच्छी रहे. उसके अलावा पूरे NCR में TNT यूटोपिया इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पर एक एयर प्योरीफायर इंस्टॉल किया जा रहा है. जी हाँ, TNT यूटोपिया आपका जीरो पॉल्यूशन एरिया रहेगा. यहाँ पर एक आपका एयर प्योरीफायर इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि यहाँ की एयर को प्योरीफाई करेगा, विच इज़ अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड उसके अलावा प्रोजेक्ट में आपको एम्फी थिएटर मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका ओपन रेस्टोरेंट रहेगा, जो कि एक थर्ड पार्टी द्वारा मैनेज किया जाएगा, जो कि 5-star लेवल के रहेंगे. उसके साथ साथ यहाँ पर टॉडलर्स एरिया, किड्स प्ले एरियाज रहेंगे, योगा एंड मेडिटेशन पार्क्स रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपके सारे आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज भी प्रेजेंट रहेंगे. फॉर एग्जांपल, क्रिकेट पिच, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, सो सभी आपके इंडोर गेम्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं. उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपका नाम ही सजेस्ट करता है, यूटोपिया, ये ग्रीक थीम पर बेस्ड रहेगा. एंड यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो ग्रीक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड रहेगा. तो प्रोजेक्ट में आप काफ़ी सारे स्टैचूज एंड आर्टवर्क देख पाएंगे, जो कि ग्रीक आर्किटेक्चर एंड ग्रीक आर्ट से इंस्पायर्ड रहेंगे. उसके साथ साथ यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि ग्रीक कल्चर में स्पेशियस होम्स का एक प्रचलन है, तो उसी तरीके से यूटोपिया के जो अपार्टमेंट्स रहेंगे वो भी काफी ज्यादा स्पेशियस साइजेस के रहेंगे. इनफैक्ट यहाँ का जो सबसे छोटा साइज है वो ही अराउंड आपका 1895 स्क्वायर फीट का रहेगा. 1895 स्क्वायर फीट, अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट की बात करती हूँ, तो वो यूजुअली सबसे बड़ा साइज होता है या फिर बड़ी कैटेगरी का साइज रहता है. बट यहाँ पर आपका वो सबसे छोटा साइज रहेगा, जो कि 3 BHK का साइज रहेगा. तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेशियस होम्स मिल जाते हैं. इनफैक्ट डोर हाइट आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी. अंदर हम अपार्टमेंट के अंदर सीलिंग हाइट की बात करते हैं, तो वो भी अराउंड 11 से 12 फीट की आपकी सीलिंग हाइट रहेगी. एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट के अंदर ओपननेस एंड ओपन एरियाज मिल जाते हैं. बालकनीज यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, बड़े साइज की आपकी बालकनीज रहेंगी. सो आपके अपार्टमेंट के अंदर आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन, दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं. अदर देन दैट, यहाँ पर जैसे कि TNT का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो आपके घर रहेंगे वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ रहेंगे, प्लस ट्रेडिशंस को भी फॉलो करेंगे. आपको यहाँ पर स्पेशियस होम्स तो ऑलरेडी मिल ही जाते हैं, प्लस ये अपार्टमेंट्स, ये घर, ये आपके स्मार्ट होम्स रहेंगे. जी हाँ, यहाँ पर आपको स्मार्ट होम फीचर्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ AI इनेबल्ड होम्स रहेंगे. तो अपार्टमेंट के अंदर आप लाइट्स, फैंस, ACs, सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं. उसके साथ साथ अपार्टमेंट्स आपके सेमी फर्निश्ड कंडीशन में आपको डिलीवर किया जाएंगे, जिसमें कि आपको वुडन वर्क कंप्लीट मिलेगा. फुली लोडेड आपको किचन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें कि वुडन वर्क एंड अप्लायंसेस दोनों इंक्लूडेड रहेंगे. पूरे अपार्टमेंट में आपको इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे जो वॉशरूम्स रहेंगे वो भी आपको पूरी फर्निश्ड कंडीशन में दिए जाएंगे, जिसमें कि आपके मिरर, वैनिटी एंड आपके सारे अप्लायंसेस इंक्लूडेड रहेंगे. गाइस, ऑल द 11 टावर्स विल हैव सेपरेट डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी एरियाज, जस्ट लाइक दिस वन. आपको सभी लॉबी एरियाज में एक रिसेप्शन एरिया मिल जाएगा एंड वेटिंग एरियाज आपको प्रेजेंट रहेंगे. एंड फिलहाल मैं सैंपल अपार्टमेंट के बाहर, दिस इज अ 4 BHK प्लस फैमिली लाउंज प्लस सर्वेंट सैंपल अपार्टमेंट, जिसका साइज रहेगा 2990 स्क्वायर फीट. अभी मैं आपको जब
टूर कराऊंगी। सो यहाँ पर आ जाते हैं आपका सर्विंग क्वार्टर, जिसमें कि आपका बेड रहेगा एंड इसके साथ साथ आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिल जाती है एंड इसी के बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगा आपका मेन एंट्रेंस डोर। एक फ्लोर पर गाइस आपके सिर्फ दो अपार्टमेंट रहेंगे। सो ये आपका मेन एंट्रेंस डोर है एंड जैसे कि ये प्रोजेक्ट ग्रीक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, आप यहाँ की डोर हाइट देखिए, 11 फीट ही आपको यहाँ पर डोर हाइट मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आपको स्मार्ट लॉक के साथ ये फीचर भी मिल जाता है, आपका जो लॉक रहेगा वो स्मार्ट फीचर्स के साथ रहेगा, इसे आप थंब एंड पासवर्ड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। एंड एज यू एंटर तो आप आ जाते हैं यहाँ के फॉयर स्पेस में, इसी के साथ साथ हियर इज द गेस्ट बेडरूम। सो दिस इज द गेस्ट बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट, यहाँ पर आपको वॉशरूम प्लस बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। आगे आते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है कम्प्लीटली ये लिविंग स्पेस, आप ये लिविंग स्पेस भी देख सकते हैं, काफी स्पेशियस आपका लिविंग एरिया रहेगा। पीछे आपका रहेगा बालकनी का एक्सेस, आपको यहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स के साथ बालकनी मिल जाती है। प्लस यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा स्पेशियस एरिया मिल जाता है। यहाँ पर रहेगा आपका डाइनिंग स्पेस, आप यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं एंड दिस विल बी यूज्ड एज योर डाइनिंग स्पेस। प्रोसेस के बिल्कुल नेक्स्ट रहेगा आपका किचन एरिया, सो दिस इज योर मॉड्यूलर किचन। किचन आपकी सेम एज इट इज रहेगी विद ऑल द कैबिनेट्स एंड ऑल द अप्लायंसेस। यहाँ पर जो भी आप अप्लायंसेस देखेंगे, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव या फिर आप यहाँ पे चिमनी एंड हॉब देखते हैं, वो सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड रहेंगी। किचन विल बी सेम, साथ साथ यहाँ पर आपको डिश वॉशर भी मिल जाता है। सो किचन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दिस इज द ड्राई एरिया एंड दिस इज द वेट एरिया एंड पीछे यहाँ पर आपको अगेन बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। कॉमन एरिया ऑफ द अपार्टमेंट एंड यहाँ से आपके बेडरूम शुरू हो जाते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा पाउडर वॉशरूम, ऑल द वॉशरूम्स विल कम विद ऑल द सैनिटरी फिटिंग्स। यहाँ पर आपका वैनिटी एरिया, मिरर, एग्जॉस्ट फैन, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड रहेंगी। प्लस यहाँ पर जितने भी अप्लायंसेस रहेंगे वो भी आपकी ग्रेड ए की क्वालिटी के रहेंगे। पाउडर वॉशरूम में आपको स्मार्ट पॉट मिल जाता है एंड हियर कम्स द सेकंड बेडरूम, इज डिजाइंड एज किड्स बेडरूम, ये भी आप देख सकते हैं, दिस इज क्वाइट गुड इन साइज एंड अगेन कम्स विद द बालकनी एंड वॉशरूम। किड्स बेडरूम एडजॉइनिंग आ जाता है आपका फैमिली लाउंज एरिया, सो दिस इज योर प्राइवेट स्पेस ऑफ द अपार्टमेंट, यहाँ पर आप एज अ फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थर्ड इज द टीवी पैनल एंड पीछे आप देखिए तो यहाँ पर आपको बालकनी कम पार्टी डेक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर एक छोटी मोटी पार्टी आपका इजिली होस्ट कर सकते हैं एंड फैमिली लाउंज एरिया के साथ ही रहेगा आपका थर्ड बेडरूम एंड with your third bedroom which is also your master bedroom, यहाँ पर आपको wooden flooring मिल जाती है। Plus you can see the size, काफी massive आपका ये bedroom रहेगा, woodwork आपको पूरे apartment में complete मिल रहा है, wardrobes आपको सारे bedrooms में मिल जाते हैं। Plus again आपको इस bedroom में भी sliding doors के साथ आपको balcony का space मिल जाता है। बालकनीज भी हम देखते हैं तो काफी स्पेशियस यहाँ पर आपको बालकनीज मिल जाती हैं, जो कि काफी अच्छी लेंथ एंड ब्रेथ के साथ रहेगी एंड यहाँ पर आपका वॉक इन वार्डरोब एरिया रहेगा, जिसके बिल्कुल एडजॉइनिंग आपका रहेगा अटैच्ड वॉशरूम। सभी बेडरूम्स में आपको पूरी कंप्लीट वॉशरूम्स मिल जाती हैं, वैनिटी एरिया एंड सेपरेट शावर एरिया के साथ। प्लस दिस बेडरूम द मास्टर बेडरूम विल आल्सो हैव अ बाथटब and this is your fourth and last bedroom of this apartment. चारों bedrooms आपको काफी ज्यादा spacious size में मिल जाते हैं and just like the other bedrooms यहाँ पर भी आपको balcony and एक attached washroom मिल जाती है। And guys, this is the actual site of the project TNT Utopia. पीछे आप देख सकते हैं towers में काम चल रहा है, एक टावर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सुपर स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट रेडी, इनफैक्ट यहाँ का एक्चुअल फ्लैट भी रेडी हो चुका है, तो आप सैंपल तो देख चुके हैं, अभी फिलहाल मैं एक्चुअल फ्लैट भी आपको दिखाने वाली हूँ।
about our today's project, TNT Utopia, the ultra-luxury project of Siddharth Vihar Ghaziabad. आपने इस वीडियो में इसका सैम्पल अपार्टमेंट एंड एक्चुअल अपार्टमेंट दोनों ही देखे हैं. प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा? डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स. अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ प्रोजेक्ट की क्या खासियत है वो मैं अब आपको बता देती हूँ. सबसे पहली बात लोकेशन. सिद्धार्थ विहार की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. आपको यहाँ से NCR की जो भी मेजर सिटीज हैं, मेजर लोकेशंस हैं, सभी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, वो भी आपको इक्वल डिस्टेंस पर. उसके साथ साथ TNT यूटोपिया की हम बात करते हैं तो ये आपको स्मार्ट होम्स के फीचर दे रहे हैं जो कि बहुत ही कम प्रोजेक्ट पूरे NCR में दे रहे हैं. उसके साथ साथ ये आपका लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर जो आपको अमेनिटीज मिल रही हैं वो भी उसी लेवल की मिल रही हैं. एंड बात प्राइसिंग की हम बात करते हैं तो जिस हिसाब के यहाँ पर अमेनिटीज मिल रही हैं उस हिसाब के यहाँ के प्राइसेस नहीं है. प्राइसेस कंपेयर टू अदर लग्जरी प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है. यहाँ के स्पेशियस होम्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिसमें आपको लोडिंग एरिया बहुत कम रहेगा. यूजली अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट की बात करती हूँ तो साइज उनके काफ़ी ग्रैंड रहते हैं पर उनमें लोडिंग एरिया इतना ज़्यादा रहता है कि अपार्टमेंट आपके अंदर से छोटे लगते हैं. बट यहाँ पर सिर्फ 22% का ही आपका लोडिंग एरिया रहेगा. सबसे अच्छी बात यह है कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम उसको लग्जरी सेगमेंट में कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम इस बेसिस पे करते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में लोग कितने रह रहे हैं. तो इस 8 acre की सोसाइटी में सिर्फ 700 से 750 लोग ही रहेंगे. दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है. इनफैक्ट इट इज़ द लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट ऑफ सिद्धार्थ विहार. एंड इसके अंदर आपको हेल्दी लिविंग का प्रोविजन मिल जाता है. काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अमेनिटीज यहाँ पर हैं. पंचकर्मा थेरेपी, एयर प्योरीफायर, मेडिसिनल प्लांट्स, जेन गार्डन्स, इस तरीके की आपको यहाँ पर अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज मिल जाती हैं जिससे कि आपका लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा. उसके बाद सिद्धार्थ विहार की हम बात करते हैं तो ये पूरा सेक्टर आपका लगभग 700 acre का सेक्टर है एंड यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंशियल को 200 acre ही दिया गया है. तो आप सोच सकते हैं लेस देन हाफ एरिया यहाँ का रेजिडेंशियल के लिए रहेगा एंड बाकी के एरिया में आपके ओपन एरिया एंड ग्रीन स्पेसेस रहेंगे. तो आने वाले टाइम में जैसे कि अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन या बाकी एरियाज की बात करती हूँ तो वो थोड़े से हाईली पॉपुलेटेड हैं बट सिद्धार्थ विहार एक ऐसी लोकेशन रहेगी जो पूरे डेवलपमेंट के बाद भी काफ़ी कम पॉपुलेटेड रहेगी. तो एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. प्लस IT हब एंड आपके इंडस्ट्रियल एरिया से भी ये काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है तो जो लोग वर्किंग क्लास हैं उनके लिए भी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सो मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुके हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के फेवर में है. प्रोजेक्ट की अगर हम पोजेशन की बात करते हैं तो इसका एक टावर इसी साल के एंड में डिलीवर हो जाएगा एंड उसमें रेजिडेंशियल होना भी शुरू कर देंगे. सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट. अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की हम बात करते हैं देन दैट वुड बी अराउंड 2.05 crore. मैक्सिमम यहाँ का टिकट साइज 3 crore का रहेगा. इसी रेंज में आपको यहाँ पर कई सारे साइजेस के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं. सो गाइस ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि एक लग्जरी सेगमेंट का घर चाहते हैं कि अपना एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है. टिकट साइज भी इसका काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है कंपेयर टू अदर लोकेशंस. सो गाइस आप एक बार आइए इस प्रोजेक्ट को विजिट ज़रूर कीजिएगा. आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा कॉमेंट्स करके बताइएगा. साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा. मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर.